हिंदी टैग गुरु के सही पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो एंड्रॉइड एप्लीकेशन से जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने पीसी पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, चाहे वो एप्लीकेशन कोई गेम की हो या कोई फेसबुक या व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन हो। यानी आप अपने पीसी को बहुत ही आराम से एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर सकते हो। पीसी को एंड्रॉइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से उसी सॉफ्टवेयर की जानकारी दूंगा और उस सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने की जानकारी भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ऐसे वीडियो देता हूँ जो आप सभी के काफी काम आते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को अपनी पीसी पर चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को अपने पीसी पर चलाना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने पीसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लू स्टिक। बहुत से लोगों को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इस सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है। तो मैं सीधा आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। गूगल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप उस सॉफ्टवेयर को बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हो। आपको गूगल पे जाके ब्लू स्टिक लिखना है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही सबसे टॉप में इसकी वेबसाइट आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करके आपके सामने ब्लू स्टिक का लेटेस्ट वर्जन ओपन हो जाएगा। ब्लू स्टिक नए नए अपडेट अपने इस पे देता रहता है। तो अगर आप अपने पीसी को एंड्रॉइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एंड्रॉइड गेम या एप्लीकेशन अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको यही सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा। चाहे आपका पीसी हो चाहे आपका लैपटॉप हो, आप किसी में भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको इसको डाउनलोड करना होगा। आप सीधा यहाँ डाउनलोड ब्लू स्टिक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको अपने सिस्टम में लेके चलता हूँ और आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस ब्लू स्टिक का सेटअप करते हैं और किस तरह उसके अंदर एप्लीकेशन डाल के कोई भी एप्लीकेशन उसमें रन करते हैं। तो चलिए अब मैं सीधा अपनी उस फाइल पर चलता हूँ जहाँ मैंने ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। पीसी पे लेके चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आप किस किस तरह की एप्लीकेशन रन कर सकते हो। जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, इसमें आप देखिए, इसमें आप कई तरह के गेम अपने पीसी पर ही प्ले कर सकते हो। एंड्रॉइड का कोई सा भी गेम आप अपने पीसी में बहुत ही आराम से प्ले कर सकते हो। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आप नॉर्मली अपने पीसी में ठीक उसी तरह चला सकते हो जिस तरह आप अपने मोबाइल में चला सकते हो। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वीबर हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, कुछ भी हो, आप नॉर्मली जिस तरह अपने मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन रन करते हो, ठीक उसी तरह आप अपने पीसी में भी इसी तरह एप्लीकेशन रन कर सकते हो। कोई सा भी गेम हो, कुछ भी हो, आप हर तरह की एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने पीसी में रन कर सकते हो। तो चलिए अब हम सीधा अपने उस सेटअप पे चलते हैं और इस ब्लू स्टिक को स्टेप बाय स्टेप सेटअप करते हैं, साथ ही एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं। ब्लू स्टिक सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं सीधा उसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी आप वेबसाइट से ब्लू स्टिक डाउनलोड करेंगे वो कुछ इसी प्रकार का होगा। तो आप उसे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने स्टोर नाउ का एक ऑप्शन आएगा, आप सीधा स्टोर नाउ पे क्लिक कर दें। अब आपकी फाइलें सिस्टम में कॉपी हो रही हैं, आप थोड़ा वेट करें। यह ब्लू स्टिक का लेटेस्ट वर्जन है, ब्लू स्टिक 3। तो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है आप उसी वेबसाइट से इसे डाउनलोड करें। इस प्लेयर के स्टोर होने के बाद आप अपने पीसी पे एंड्रॉइड की कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही आराम से रन कर सकते हैं, चाहे वो किसी गेम की एप्लीकेशन हो या चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हो। यानी आप हर एप्लीकेशन को अपने पीसी में बहुत ही आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। 100% फाइलें सिस्टम में कॉपी हो चुकी है। अब आपके सामने ब्लू स्टिक ओपन होगा। अब आपके सामने वेलकम टू ब्लू स्टिक का एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ नीचे की ओर कुछ फाइलें कॉपी हो रही है, जिसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा।
आप चाहें तो यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इसको आप वॉच कर सकते हैं, इसमें पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं फिलहाल इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। जब हमारी ये फाइलें कॉपी हो जाएंगी तो आपके सामने इसका एक व्यू आएगा जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आप किस तरह इसमें वर्क कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे इसमें व्यू आता जा रहा है। सारी फाइलें कॉपी होने के बाद आपको इसके अंदर उसी तरह सेटअप करना पड़ेगा जिस तरह आप अपने मोबाइल के अंदर सेटअप करते हैं। ये देखिए सारी फाइलें इसमें कॉपी हो गई है। अब आप अग्री पे क्लिक कर दें, इसके बाद आप यस पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने वेलकम का मैसेज आ गया है जिसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो लैंग्वेज मैंने पहले से सेलेक्ट, तो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेट हो रखी है, तो मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ईमेल आईडी और पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, यानी गूगल की आईडी और पासवर्ड इसमें वर्क करेगी। तो मैं सीधा अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इसमें एंटर करता हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड इसमें एंटर कर दी। अब मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। ये देखिए मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। इसमें आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आएंगे, आप चाहें तो इन्हें अनचेक कर दीजिए, चाहे तो आप इनको चेक ही रहने दीजिए। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने नेम डालने का ऑप्शन आएगा, जो भी आप नाम डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मेरा बाय डिफॉल्ट नाम इस पर सेट हो रखा है, तो मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सेटअप कंप्लीट। अब मैं सीधा यहाँ फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। जैसे ही मैं माई ऐप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे ये फिलहाल कोई ऐप शो नहीं कर रहा है। तो मैं ऐप सेंटर पे जाके व्हाट्सएप इसके अंदर स्टोर करता हूँ। व्हाट्सएप स्टोर करने के लिए मैं यहाँ ऊपर जो आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ व्हाट्सएप लिखना पड़ेगा। व्हाट्सएप लिख के आप यहाँ सर्च बटन पे क्लिक कर दें। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारे व्हाट्सएप के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर अपने इस पीसी में डालना है, तो मैं सीधा यहाँ व्हाट्सएप मैसेंजर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ स्टोर पे क्लिक कर देता हूँ। स्टोर पे क्लिक करके ये ठीक उसी तरह वर्क करेगा जिस तरह आपके मोबाइल पे वर्क करता है। अब ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद ये स्टोर होगा। तो अब हम इसको डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद हम इसका सेटअप करेंगे। यह है व्हाट्सएप का बीटा वर्जन है, यानी जो भी व्हाट्सएप के अपडेट होंगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इसमें आपको कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो कुछ टाइम के बाद इसका आइकन चेंज हो जाएगा और ठीक वैसा ही आइकन आएगा जैसे आपके मोबाइल पे आता है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि व्हाट्सएप कितना परसेंट डाउनलोड हो गया है तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते ही इसका व्यू आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अभी 88% डाउनलोड हुआ है। तो अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद में ये हमारे इस पीसी में इंस्टॉल होगा। इसकी डाउनलोड स्पीड आपके नेट के ऊपर डिपेंड करती है। आपका नेट जितना फास्ट होगा ये उतनी ही जल्दी इंस्टॉल होगा। अभी देखिए डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अभी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सिंपल इसको यहाँ से क्लोज करके इसको यहाँ से ओपन करूँगा। ये देखिए इसका जो आइकन था वो भी चेंज हो गया है। अब मैं सिंपल इसको यहाँ क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ठीक उसी तरह इसका इंटरफेस आएगा जैसे आपके मोबाइल पर आता है। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसे परफेक्ट रूप से दिखा सकूँ। इसके बाद मैं सीधा अग्री कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए वेरीफाई योर फोन नंबर, तो मैं यहाँ अपना ही मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ उसमें। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही
ये एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे भेजेगा, तो मैं सीधा इसको ओके करता हूँ। जब ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, वो ओटीपी मैं इसमें एंटर करूँगा, उसके बाद इसको वेरीफाई करूँगा। ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, अब ओटीपी मैं यहाँ ऐड करूँगा। ओटीपी ऐड करते ही देखिए अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में आपको सब वैसे ही करना होगा जैसे आप अपने मोबाइल पे करते हैं। अगर आपको रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहे तो इसके स्किप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ आपको प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भरनी है, यानी आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। तो मैं सीधा यहाँ अपना नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप एक्टिवेट हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले सकता है। ये नंबर मैंने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, जिसकी वजह से हर कोई मुझे कहीं से भी ऐड कर देता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने इस नंबर को मैं अपने केवल पीसी से ही चलाता हूँ, अपने मोबाइल पे नहीं चलाता हूँ। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। इसमें बहुत से ग्रुप हैं जो इसके अंदर ऐड हो रखे हैं, यानी लोगों ने मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके अंदर ऐड कर रखा है। तो अब मैं आपको ग्रुप वो ग्रुप दिखाता हूँ जो इसके अंदर ऐड है। अभी ये लोडिंग चलेगा। ये देखिए व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। इसमें इसने मेरे ग्रुप दिखा दिए, जिन लोगों ने मुझे अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर रखा है, वो सारे के सारे ग्रुप इसने मुझे शो कर दिए हैं। अभी ये थोड़ा लोडिंग लेगा, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने अपने इस व्हाट्सएप को ओपन नहीं किया था, जिसकी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो जब ये पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको उसको ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए अब मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। इसमें अब देखिए कितने ग्रुप हैं जिन लोगों ने मुझे ऐड कर रखा है। बहुत ग्रुप हैं, कम से कम 800-900 ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं। लोगों ने मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने ग्रुप में ऐड कर रखा है। अब मैं आपको इन्हीं ग्रुप में से किसी के अंदर एक मैसेज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लिया यही ग्रुप है, इसे मैंने ओपन कर लिया और यहाँ मैंने अपना एक वीडियो का यूआरएल कॉपी करा हुआ, तो सीधा यहाँ पेस्ट करके और यहाँ सेंड पर क्लिक कर दिया। ये देखिए अभी ये सेंड होगा, अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। ये वीडियो इस ग्रुप के अंदर सेंड हो चुका है। तो आप इस तरह बहुत ही आराम से अपने पीसी पर व्हाट्सएप को चला सकते हैं। मैं इस व्हाट्सएप को यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसका आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। ये इस तरह का इंटरफेस होता है। व्हाट्सएप स्टोर करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आपको ऊपर सर्च बॉक्स में व्हाट्सएप सर्च करना है। व्हाट्सएप सर्च करते ही इसका सेटअप आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यहाँ सर्च नहीं करना चाहते तो यहाँ नीचे आपको गूगल प्ले का एक ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये गूगल प्ले ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ सर्च करके भी व्हाट्सएप अपने इस पीसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप एंड्रॉयड की कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही आराम से रन कर सकते हैं। अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आप बहुत ही आराम से अपने पीसी को एंड्रॉयड में कन्वर्ट करके किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पीसी पर ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करके उसके फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी एंड्रॉयड गेम आप अपने पीसी में रन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई अपने पीसी पर इसी तरह एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।